हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी चैप्टर का आपका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांतों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सेकंड वीडियो है, यानी हम फर्स्ट वीडियो में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखें, इससे क्या होगा कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हम स्टार्ट करेंगे वो 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कितना क्वेश्चन से 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, यानी मेंडल साहब ने जो नियम दिए हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम जो दिए हैं वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, परीक्षण संकरण पर आधारित है या फिर प्रतीक संकरण पर आधारित है या एक संकर संकरण पर आधारित है या द्विसंकरण संकरण पर आधारित है, यानी मेंडल साहब के नियम किस पर आधारित है। देखिए ये जो आधारित है आपका मेंडल साहब का नियम वो इस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है मेंडल द्वारा दिया गया नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, यानी मेंडल का नियम का एक अपवाद है। मतलब अपवाद किसको कहता है, जो रूल को फॉलो नहीं करता, यानी मेंडल का नियम का अपवाद है, यानी मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता। मेंडल साहब ने जो नियम दिए हैं यानी युग्मकों की शुद्धता का जो नियम दिया उसको फॉलो नहीं करता, उसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। लेकिन वो क्या है वो आपको पूछा जा रहा है, प्रभाविता है या फिर युग्मक की शुद्धता है या फिर सहलग्नता है या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन है, यानी मेंडल के नियम का जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वह है आपका सहलग्नता। यानी सहलग्नता जो है मेंडल की शुद्धता का नियम को फॉलो नहीं करता, मेंडल के युग्मक की शुद्धता का नियम को फॉलो नहीं करता। यह हो गया क्या, मेंडल के नियम का अपवाद हो गया सहलग्नता। बाकी तीनों के तीनों, प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता और स्वतंत्र अपव्यूहन जो है मेंडल के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि है या फिर ए या बी में कोई एक है या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी हीमोफीलिया के बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवंशिक रोग होता है। क्या होता है, आनुवंशिक रोग होता है और जिसमें शरीर के बाहर जो होता है ना ब्लड कभी जमता नहीं है। अगर मतलब आपका शरीर कहीं कट गया, कट फट गया या फिर अभी कहीं चोट लग गया या फिर आप कोई दुर्घटना से एक तरह से ग्रसित हो गए तो आपके बाहर जो एक तरह से शरीर मतलब चोट लगा तो उससे मतलब ब्लड बहता जाएगा, वो रुकने का नाम नहीं लेगा, जिसके कारण आपके मतलब एक तरह से जिसके कारण मतलब एक जो होता है ना, अगर किसी का दुर्घटना हो गया, उसको अगर चोट लग गया तो अगर उसका ब्लड अगर जमता नहीं है बाहर तो जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है, इसको कहते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया है, मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि, ए और या बी में से कोई या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो होता है ये होता है आपका मेंडेलियन व्याधि होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया एक मेंडेलियन व्याधि होता है। 3300 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम है एक, मतलब क्या है, मेंडेलियन व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि है या फिर दोनों हो सकती है या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको पूछा जा रहा। और डाउन सिंड्रोम जो होता है ये भी एक आनुवंशिक रोग होता है। क्या होता है डाउन सिंड्रोम, ये भी एक आनुवंशिक रोग होता है और जो मतलब असामान्य कोशिका विभाजन, मतलब समझने इरेगुलर एक तरह से असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र से मतलब अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से होता है। यानी गुणसूत्र से मतलब क्या होता है कि अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से, अतिरिक्त सामान की वजह से, अतिरिक्त मतलब मैटर के वजह से वस्तु एक तरह से केमिकल एक तरह से जो होता है इसमें आनुवंशिक गुण के कारण, यानी गुणसूत्र से जो अतिरिक्त मतलब आनुवंशिक सामग्री जो निकलता है, जेनेटिक जो ये निकलता है सामान निकलता है, उसी के वजह से होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक है, मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि दोनों हो सकती है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए डाउन सिंड्रोम जो है वो आपका गुणसूत्रीय व्याधि, क्या है, गुणसूत्रीय व्याधि होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक रोग है। और आपका 3300 क्वेश्चन में क्या था कि हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया क्या है आपका, हीमोफीलिया मैंने क्या बताया, मेंडेलियन व्याधि है। अब डाउन सिंड्रोम जो है वो क्या है, गुणसूत्रीय व्याधि है। यानी 3300 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ए है और 3400 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेंडल ने कार्य किया, यानी मेंडल ने कार्य किया, किस पर कार्य किया, खाद्य मटर पर, जंगली मटर पर, उद्यान मटर पर, यानी या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी मेंडल साहब ने जो अपने कार्य किए थे, अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे, या आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। मटर पर तो किए थे लेकिन कौन सा मटर पर किए थे ये सबको मालूम नहीं है। मटर पर किए थे ये सबको मालूम है, आप मैट्रिक स्टैंडर्ड में 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जो मेंडल साहब ने अपने जो परीक्षण किए थे अपने जो मटर के पौधे पर, उसको मतलब मटर के पौधे पर अपना एक किया, ये किया था, प्रयोग किया था मेंडल साहब ने, लेकिन किस
किस मटर के पौधे पर किया था, कैसा मटर का पौधा था, वो था आपका उद्यान मटर पर, यानी मटर का जो पौधा था कौन सा टाइप का था, उद्यान टाइप का था, यानी उद्यान मटर पर क्या किए थे मेंडल साहब ने, कार्य किए थे। ठीक है, ये 3500 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक युग्मक में, यानी एक युग्मक में निम्न में से होता है, एक युग्मक में निम्न में से होता है क्या होता है, एक जिनके दोनों युग्म विकल्पी होता है, या फिर जिनका केवल एक युग्म विकल्पी होता है, या फिर जिनके सभी युग्म विकल्पी होता है, या फिर युग्म विकल्पी नहीं होता है, यानी एक युग्मक में निम्न में से क्या होता है वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए उसमें जो होता है वो होता है आपका जिनका एक युग्म विकल्पी होता है, यानी जिनका केवल एक युग्म विकल्पी होता है एक युग्मक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा घुमा फिरा कि नहीं पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पुन्नेट वर्ग का विकसित किया, मतलब पुन्नेट वर्ग विकसित किया किसने, विकसित किया यानी पुन्नेट जो वर्ग है उसको डेवलप किया उसको किसने विकसित किया, मेंडल साहब ने किया, वाटसन एवं सटन ने किया, रेजिनेल्ड ने किया, या फिर बोबेरी ने किया। देखिए पुन्नेट वर्ग को जो विकसित किया था वो कौन किए थे, रेजिनेल्ड ने किए थे, यानी रेजिनेल्ड साहब जो थे वो किस वर्ग को विकसित किए थे, पुन्नेट वर्ग को विकसित किए थे। 3700 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका सी, ऑप्शन सी यानी रेजिनेल्ड। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि वंशागति का गुणसूत्री, यानी वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने प्रस्तुत किया, वंशागति का जो गुणसूत्री सिद्धांत है, ये आपका सिद्धांत है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, ये सिद्धांत को किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रतिपादित किया, मेंडल साहब ने, सटन ने, रेजिनेल्ड ने, या फिर बोबेरी ने। यानी एक तरह से वंशागति का जो सिद्धांत गुणसूत्री सिद्धांत है वो किस, मतलब कौन प्रतिपादित किया, ये सटन साहब ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, एक तरह से 38वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका सटन, यानी वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर सटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो जीन के, मतलब दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना, यानी दो जीन का जो वंशागति है उसके लिए मेंडल साहब ने कौन सा पौधा चुना, सेब का पौधा चुना, आम का पौधा चुना, उद्यान मटर मतलब या फिर आलू। दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना, कौन सा पौधा चुना, देखिए वो जो पौधे चुने थे वो आपका मतलब ये चुने थे, मतलब उद्यान मटर चुने थे, यानी मेंडल जो साहब है वो किस पर, उद्यान मटर पर, मतलब अपना प्रैक्टिकल किए थे दो जीन के वंशागति के लिए, मतलब ठीक है। ये 39वां क्वेश्चन था, दो जीन के वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना था, कौन सा पौधा चुना, उद्यान मटर का पौधा चुना था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति की, यानी मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित किया, 1870 में, 1900 में, या फिर 1865 में, या फिर 1845 में। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना काम कब प्रकाशित किया, अपना कार्य कब प्रकाशित किया, देखिए वो जो अपना काम प्रकाशित किए थे वो किए थे 1865 में, कब किए थे 1865 में। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हंसी आकार रुधिराणु आरक्त में अमीनो अम्ल, यानी अमीनो अम्ल जो होता है संघटक होता है, यानी हंसी आकार रुधिराणु आरक्तता में अमीनो अम्ल जो होता है उसका संघटक होता है, श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, या फिर श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड द्वारा, या फिर बी आपका ऑप्शन है, यह सी आपका ऑप्शन है, बी श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल, या फिर श्रृंखला में ग्लूटामिक अम्ल द्वारा वेलिन। लेकिन करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि हंसी आकार रुधिराणु अर्कतता में जो अमीना जो अम्ल होता है उसका संघटक क्या होता है, कैसा होता है। देखिए इसका जो संघटक होगा वो होगा बी श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा। ठीक है, 31 यानी 41वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में है, ए बी वर्ग में क्या होता है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, या फिर एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी बी अनुपस्थित होते हैं, यानी मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है, 42वां क्वेश्चन आपको यही पूछा जा रहा है। देखिए मानव रुधिर ए बी वर्ग में जो होता है वह एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, क्या अनुपस्थित रहते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं मानव रुधिर ए बी वर्ग में। 42वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन बी एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक जीन का जोड़ा, यानी एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, पॉलीमेरिज्म कहते हैं, या फिर एपिस्टेसिस कहते हैं, या फिर अप्रभाविता कहते हैं। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव करता है, प्रभाव को रोकता है, इफेक्ट को रोकता है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको क्या कहा गया है। देखिए इसको जो कहा गया है वो आपका एपिसिस्टम कहा गया, यानी एपिस्टेसिस कहा गया, एपिस्टेसिस कहते हैं इसको, यानी एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को रोकता है, इफेक्टों को रोकता है, जिसको क्या कहते हैं,
एपिस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मेंडल सहलग्नता को किस कारण मतलब को किस कारण नहीं देख पाए, यानी मेंडल सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए। यह आपका ऑप्शन है आपका सिनेप्सिस या फिर विनिमय के कारण या फिर उत्परिवर्तन के कारण या फिर स्वतंत्र अपवहन के कारण। लेकिन मेंडल जो एक तरह से सहलग्नता को जो देख नहीं पाए थे वो किसके कारण से नहीं देख पाए थे, वो विनिमय के कारण से नहीं देख पाए थे। किसके कारण से? विनिमय के कारण से नहीं देख पाए थे मेंडल ने सहलग्नता को, मतलब इसका इसी के कारण से नहीं देख पाए थे। ठीक है, ये 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि जिन विनिमय किस अवस्था में होता है, यानी जिनका जो विनिमय होता है किस अवस्था में होता है, कैसा स्टेट में कैसा सिचुएशन में होता है, जायगोटिन में या फिर पैकेटिन में या फिर डिप्लोटिन में या फिर लिपटोटिन में, यानी जब जिनका जो विनिमय होता है वो कौन सा अवस्था में होता है, कौन सा सिचुएशन में होता है। देखिए, इसका जो विनिमय होता है वो पैकेटिन में होता है। कब होता है? पैकेटिन अवस्था में, यानी पैकेटिन अवस्था में जिनका विनिमय होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समीपअस्थ यानी समीपअस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे, यानी समीपअस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे, क्या होंगे? दोहरा विनिमय होंगे, कोई विनिमय नहीं होगा, मुश्किल से कोई विनिमय नहीं होगा, लगातार विनिमय होगा। यानी समीपअस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर क्या होंगे, कौन सा कार्य होंगे, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, उस पर जो होंगे वो होंगे मुश्किल से, मतलब विनिमय होगा। कब होगा? मुश्किल से कोई विनिमय नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से मुश्किल से विनिमय होगा, मतलब लगभग एक तरह से विनिमय अगर होगा बहुत मुश्किल रास्ते से, मुश्किल प्रोसेस से होगा। समीपअस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर मुश्किल से कोई विनिमय मतलब एक तरह से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपको कह रहा कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण, यानी मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है एक तरह से माँ के पोषण द्वारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण जो होता है माँ के पोषण द्वारा या फिर पिता के प्रबलता द्वारा या फिर लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा या फिर आपका भ्रूण के विशिष्ट पोषण द्वारा, यानी मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, लिंग का जो निर्धारण होता है वह लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा, यानी लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा क्या होता है, अगर मनुष्य में क्या होता है कि लिंग का निर्धारण होता है। अगर पुरुष से जो मेल फीमेल होता है, एक तरह से एक्स अगर वाई होंगे, एक्स वाई अगर होंगे, यानी अगर एक्स से ये फीमेल से मिल गया और मेल से आपका वाई मिल गया तो एक तरह से होगा पुरुष होगा। अगर दोनों एक्स एक्स हो गया तो वो क्या होगा कि एक तरह से स्त्री होगा, यानी महिला होगा। ठीक है, यानी लड़की पैदा होगा और ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा। यानी लड़के में जो होता है वो दोनों होते हैं गुणसूत्र क्रोमोजोम एक्स और वाई, और लड़की में एक्स एक्स होते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके बेस पे होता है, लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग के बेस पर होता है। यह 47वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर या फिर वाई क्रोमोसोम पर या फिर लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर या फिर अलिंग क्रोमोसोम पर। यानी कानों पर बाल की बहुलता यानी एक तरह से पाई जाती है, मतलब बहुलता का जीन मतलब पाया जाता है वो कैसे, मतलब वही आपको क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो होता है ये होता है आपका वाई क्रोमोसोम पर। किस पर? यानी वाई क्रोमोसोम पर, कान पर, एक तरह से कानों पर क्या होता है कि बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया 48वां क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 50वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया किसमें, मिराबिलिस जलापा में या फिर पाई सम सेटा इवम में या फिर लेथरस ओडेटेरम्स में या फिर आपका ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है ओइनो थेरा लामार की आना में, यानी पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया किसमें पाया गया। देखिए, पूर्ण प्रभाविता एक तरह से एबसेंट इस पर पाया गया था किसमें, एक तरह मिराबिलिस जलापा में, किसमें, मिराबिलिस जलापा में पूर्ण प्रभाविता जो होता है वो एबसेंट पाया गया था, अनुपस्थित पाया गया था मिराबिलिस जलापा में। ठीक है, 49वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है या फिर कितने प्रकार के निर्मक एक तरह से युग्मक का निर्माण होगा इससे। ठीक है, इसने मतलब एक इसका जो निर्माण होगा दो होगा, चार होगा या फिर छह प्रकार का युग्मक का निर्माण होगा या फिर नौ प्रकार का युग्मक का निर्माण होगा इससे। ठीक है, देखिए, इससे जो निर्माण होता है वो केवल दो प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। इस तरह से 50वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। यह आपको बता रहा है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है, एडिटिव कहलाता है या फिर
प्लियोट्रॉपिक कहलाता है या फिर एपिसेप्सीटेपिक या फिर सप्लीमेंट्री कहलाता है, यानी कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन जो कहलाता है उसका जो नाम है वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, एडिटिव प्लियोट्रॉपिक या फिर एपिसेप्सीटेपिक या फिर सप्लीमेंट्री क्या कहते हैं उसको, मतलब एक तरह से उसका नाम क्या, देखिए उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक कहते हैं, क्या कहते हैं प्लियोट्रॉपिक, यानी ये कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन को क्या कहलाता है, प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। इस तरह से 51वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये आपको कह रहा है कि विभिन्नताओं का स्रोत, यानी विभिन्नताओं का स्रोत है समसूत्री है अर्धसूत्री है निवेशन है या फिर उत्परिवर्तन है, यानी विभिन्नता का जो स्रोत है एक तरह से सोर्स है जो वो क्या है, समसूत्री अर्धसूत्री निवेशन या फिर उत्परिवर्तन है। 52वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, यानी विभिन्नता का जो स्रोत है एक तरह से जो सोर्स है यानी डायवर्सिटी जो जिसको कहते हैं एक तरह से विभिन्नता, मतलब एक तरह से अलग अलग जो रूप होता है उसका मतलब जो सोर्स है यानी उसका जो स्रोत है वो क्या हो गया उत्परिवर्तन हो गया। इस तरह से 52वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता है। ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, यानी क्रॉसिंग जो ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है, लेप्टिनिन अवस्था लेप्टिटिन अवस्था में होता है या फिर साइटोकाइनेसिस अवस्था में होता है या फिर पैक्टिन अवस्था में होता है या फिर डायकाइनेसिस अवस्था में होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर की जो अवस्था होती है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, किस स्टेट में किस फेज में होता है। देखिए ये जो होता है ये होता है आपका पैक्टिन अवस्था में, किस अवस्था में पैक्टिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की मतलब अवस्था में होता है, तो क्या होता है पैक्टिन होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है तो कौन सा अवस्था में पैक्टिन अवस्था में हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है पैक्टिन। ये आपको बता रहा है अगला क्वेश्चन की बिंदु परिवर्तन यानी बिंदु उत्परिवर्तन में एडिनिन गवानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यानी बिंदु उत्परिवर्तन में एडिनिन गवानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, क्या प्रतिस्थापित होता है ईड वर्जन में या फिर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में या फिर ट्रांसवर्सन में या फिर ट्रांसजेशन में। लेकिन जो बिंदु परिवर्तन में जो एडिनिन गवानिन द्वारा जो प्रतिस्थापित होता है वो होता है आपका ये ट्रांसवर्सन गोल में, क्या होता है ट्रांसवर्सन में, यानी बिंदु परिवर्तन में बिंदु उत्परिवर्तन में एडिनिन गवानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो क्या होता है आपका ट्रांसवर्जन में होता है। ठीक है, ये इस तरह से 54वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि दो पौधे यानी यदि दो पौधे का नाम इस प्रकार हो गया स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एवं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी की बीच जो क्रॉस करवाया जाता है एक थी मेंडल की विधि में क्या करते थे क्रॉस करते थे, तो एफ पीरी में के पौधों में किस प्रकार का जेनोटाइप यानी जीनी संरचना होगी। आपका ऑप्शन है बहुत सारा ऑप्शन है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। ऑप्शन बी है आपका एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी अनुपात एक स्मॉल ए कैपिटल बी। सी आपका ऑप्शन है इस प्रकार है एक कैपिटल ए स्मॉल ए उसके बाद कैपिटल बी अनुपात तीन स्मॉल ए कैपिटल बी। आपका थर्ड ऑप्शन है आपका लास्ट ऑप्शन आपका तीन स्मॉल ए कैपिटल बी अनुपात एक स्मॉल ए कैपिटल बी। यानी 25वां क्वेश्चन का 55वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब दो मतलब एक तरह से यदि दो पौधे अगर बीच में उसको क्रॉस करवाए जाएंगे तो एफ पीरी का जो एक तरह से पौधा किस प्रकार होगा जीनोटाइप उसका जीन मतलब किस जीनोटाइप का मतलब क्या होता है जीनी संरचना। जीनोटाइप के बारे में आप पढ़ चुके हैं जीन के बारे में 10th क्लास में जीनोटाइप क्या होता है फेनोटाइप क्या होता है, यानी जीनी संरचना को क्या कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं, इसका मतलब जीनी संरचना जो होगा वो क्या होगा एक तरह से ऑप्शन बी इसका राइट होता है। 55वां क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक क्रॉस में एक अनुपात दो अनुपात एक का एक तरह से अनुपात का क्या दर्शाता है, यानी एक क्रॉस में जो एक अनुपात दो अनुपात एक का अनुपात वो क्या दर्शाता है क्या मतलब एक तरह से शो करता है क्या मतलब बताना चाहता है। देखिए प्रभाविता को या फिर अपूर्ण प्रभाविता को या फिर सहलग्नता को या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी जो ये होता है एक तरह से ये जो अनुपात दर्शाता है वो प्रभाविता को दर्शाता है, किसको दर्शाता है प्रभाविता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौम रक्त देता है ए बी ए या फिर ओ, यानी कौन सा रक्त समूह सार्वभौम रक्त देता है ए है बी है या फिर ए बी दोनों है या फिर ओ, यानी एक तरह से जो ये ग्रुप मतलब सबको रक्त मतलब प्रदाता है यानी सबको रक्त प्रदान कर सकता है कौन सा ग्रुप है, यानी वह ग्रुप ब्लड ग्रुप जिसमें जो ब्लड ग्रुप को सब कोई ले सकता है अपना शरीर के अंदर। देखिए ये जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन डी राइट होगा, यहाँ होगा आपका ऑप्शन डी राइट, यानी ओ ब्लड ग्रुप को सब कोई एक दूसरे को दे सकता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप क्या है रक्त ओ रक्त समूह क्या है सार्वभौम रक्त देता है। चलता
करता हूँ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको करा कि अर्जित गुणों के वंशावली का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया या फिर किनके द्वारा किया गया, डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा या फिर डे वरिज के द्वारा या फिर हैकल के द्वारा, अर्जित गुणों के वंशावली का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया। देखिए ये जो किया गया था लैमार्क के द्वारा, किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा किया गया था। 58वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक संकरण क्रॉस का फोनोटिपिक अनुपात है, फोनोटिपिक अनुपात आपको पूछा जा रहा है, एक अनुपात, दो अनुपात एक या फिर तीन अनुपात एक या फिर नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक या फिर इनमें से कोई नहीं। एक संकरण क्रॉस का फोनोटिपिक अनुपात क्या है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। एक तरह से एक संकरण क्रॉस का अनुपात, एक तरह से क्रॉस का जो फोनोटिपिक अनुपात हो जाएगा एक अनुपात दो अनुपात एक हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन ए राइट होता है इसका 59वां क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मनुष्य यानी पुरुष में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कैसे होती है, 44 प्लस एक्स एक्स होती है या फिर 44 प्लस एक्स वाई होती है या फिर 46 प्लस एक्स वाई या फिर 46 प्लस एक्स एक्स होती है। ठीक है, ये एक राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 44 प्लस एक्स वाई होती है, यानी 44 एक्स प्लस वाई यानी एक्स 44 प्लस एक्स वाई होती है मनुष्य में यानी पुरुष में, और लेडीज में क्या होता है, जेंट्स में सॉरी स्त्री में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स होता है। ठीक है, लेकिन पुरुष में क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई, यानी पुरुष में एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं, सबको मालूम है एक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यही निर्धारण करता है कि मतलब लिंग कैसा होगा। आगे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्युन का नियम है या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कौन मेंडल का जो नियम है व्यापक नहीं है। देखिए ये जो व्यापक नहीं है, स्वतंत्र अभ्युन का नियम एक तरह से व्यापक नहीं है, मेंडल का नियम, यानी इनमें से कौन मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, तो आपका राइट आंसर स्वतंत्र अभ्युन का नियम व्यापक नहीं है। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 61 क्वेश्चन तक कवर किया, यानी 31 क्वेश्चन कवर किया सेकंड वीडियो में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया। ठीक है, टोटल हमें कितना क्वेश्चन कवर किया, 31वां से स्टार्ट किए थे और सेकंड वीडियो में हम 31वां से स्टार्ट किए थे और फर्स्ट वीडियो में हम लगभग 30 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फिर कि अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखें, और सेकंड वीडियो में हम लगभग 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट किए और 61 तक गए। ठीक है, 61 तक गए, टोटल लगभग 31 क्वेश्चन कवर किए, और इसी टाइप के हम बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन से लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।